तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे लघुवृत्ति विधि से माध कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे लघुवृत्ति विधि से माध कैसे हम बनाते हैं तो वे देखेंगे। तो लघुवृत्ति विधि से माध के लिए फॉर्मूला होता है कि a प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ होता है। समेशन का मतलब हो गया सिग्मा, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होगा। तो दोस्तों, हम ले लेते हैं कि यहाँ पर वर्ग चिन्ह दिया रहेगा आपको और बारंबारता दिया रहेगा आपको। देख लीजिए, वर्ग चिन्ह और सॉरी वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा इसमें। तो हम ये देखेंगे दोस्तों कि वर्ग चिन्ह निकालना है और कल्पित माध निकालना है, और जिसमें आपको दिया रहेगा बारंबारता और यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया रहेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों किस टाइप का कैसे होगा। तो यहाँ पर ये मेरा है, क्या चीज दिया है, तो वर्ग चिन्ह दिया है और बारंबारता दिया है। तो मान लेते हैं कि वर्ग चिन्ह आपको दिया रहेगा 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से दिया रहेगा 12। ये मेरा हो गया आपको वर्ग अंतराल। और दूसरा दिया रहेगा बारंबारता। बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं दोस्तों, और निकालना है हमको क्या चीज, वर्ग चिन्ह। यहां पर निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो यहाँ बारंबारता दिया रहेगा 2, 4, 8, 2, यहाँ पर 1 भी दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, बारंबारता कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए, हमको वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह चिन्ह बराबर होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अब बटा 2 हो जाएगा। तो 4, यहाँ पर निम्न सीमा 2 हो गया और उच्च सीमा 4 हो गया। तो यहाँ पर 2 प्लस कर देना है 4 बटा 2, तो 4 2 6, 6 बटा 2 करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। 6 4 10, 6 4 10, 10 आधा हो गया 5, 10, 8 6 14, 8 6 14 का आधा हो गया आपको 7, 10, 8 18 का आधा हो गया 9, 12, 10 कितना 22, 22 का आधा हो गया 11। अब यहाँ पर ये तो मेरा वर्ग चिन्ह निकल गया दोस्तों, अब निकालना है कल्पित माध। यहाँ पर कल्पित माध निकालना है जो डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर डी बराबर होता है कि एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर हमको ए जो है निकालना पड़ेगा दोस्तों, कल्पना करके। इन दोनों इन वर्ग चिन्ह में से कोई भी मान ले सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम लोग मिनिमम बीच वाले संख्या को ए मानते हैं। तो यहाँ पर बीच वाला संख्या है कि 7 है आपको, तो ये हो गया ये। अब यहाँ पर कल्पित माध निकालना है डी के लिए। तो यहाँ पर डी कैसे निकालता है दोस्तों, तो डी निकालने के लिए देख लीजिए कि हमको क्या करना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए हमको वर्ग चिन्ह जो हमको दिया रहेगा एक्स, अब यहाँ पर कि कल्पित मान में से ए में से हमको एक्स का सभी मान को घटा देना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 3 माइनस कर देंगे कितना, ये 7 कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे 7, 7 माइनस 7 कर देना है 9, माइनस कर देना है 7 और 11 माइनस कर देना है कितना दोस्तों, तो 11 माइनस 7 करेंगे और सभी को लिख देंगे घटा करके कि कितना होता है। तो घटाओ कि 7 में से यहाँ पर 3 गया तो कितना होगा, 4 3 7 माइनस 4 हो जाएगा।
यहाँ पर कितना हो जाएगा, पांच, सात में से पांच गया तो यहाँ पर दो हो जाएगा माइनस में, सात में से सात गया जीरो, नौ में से हमको कितना गया कि नौ में से हमको सात घटाना है, सात घटाना है तो दो हो जाएगा, ग्यारह में से सात घटाएंगे तो कितना होगा, सात चार ग्यारह, यहाँ पर चार हो गया, चार सात आठ नौ दस ग्यारह, आपको सात चार ग्यारह हो गया। अब बारंबारता को हमको क्या करना है, और जी को गुना कर देना है, एफ इंटू डी कर देना है, एफ इंटू डी कर देना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बारंबारता को डी के साथ गुना करना है, इसके साथ गुना करना है, इसके साथ गुना करना है, इसको साथ करना है, इसको साथ क्या करना है, गुना करना है, गुना मल्टीप्लाई सभी के साथ, मल्टीप्लाई सभी के साथ हमको मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। अब यहाँ पर हम सभी के साथ गुना जो कर रहे हैं तो लिखेंगे चार दूनी आठ हो जाएगा आपको माइनस में, चार दूनी आठ हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर सात और जीरो को गुना करेंगे जीरो, और यहाँ पर बचा दो और चार, दो को गुना करना है तो दो दो को गुना करेंगे कितना हो जाएगा चार, आ चार को और फिर यहाँ पर गुना करना है कितना को, तो एक को, तो यहाँ पर कितना कि चार और एक को गुना करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपको कि चार आ जाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों कि हमको घटा करके कितना आया, कि यहाँ पर हमने गुना किया एक और चार को गुना किया चार हुआ, दो और दो को गुना किया चार हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो इसलिए आ गया क्योंकि नौ में से सात घटाना तो सात आठ नौ दो हो गया, इन दोनों को चार गुना करेंगे और आठ और जीरो गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, चार दूनी आठ हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर भी माइनस में आठ हो जाएगा, तो हमको घटा करके लिखना है यहाँ पर आठ और आठ कितना, आठ आठ सोलह हो गया और चार चार आठ हो गया, प्लस में आठ हो गया घट जाएगा तो सोलह में से आठ गया कितना, सोलह में से आठ घटा दो तो यहाँ पर माइनस में आठ बच गया, तो समेशन एफ इंटू डी बराबर यहाँ पर क्या हो गया माइनस में आठ, और यहाँ पर बारंबारता की संख्या को जोड़ देना है तो समेशन एफ बराबर यहाँ पर समेशन मतलब सिग्मा को जोड़ देना है, सिग्मा मतलब हो गया जोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ना, तो छ इसको जोड़ना है तो दो आ चार कितना, दो चार हो गया छ, छ छ चार, छ चार कितना तो छ चार कितना तो छ सात आठ नौ दस, दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, तो यहाँ पर छ छ यहाँ पर चार जोड़ेंगे कितना होगा तो छ चार दस, दस चार चौदह है, चौदह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह सोलह एक सत्रह, यहाँ पर सत्रह हो गया दोस्तों जोड़ करके, तो सभी को जोड़िए कितना, तो यहाँ पर दो हो गया चार दो छ हो गया आ छ आठ छ आठ छ चौदह हो गया, चौदह पंद्रह हो गया, सोलह हो गया दो तो सोलह एक सत्रह हो गया, तो समेशन आया बराबर सत्रह, हाँ यहाँ पर सत्रह आ गया। तो लघुगणित विधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पर लघुगणित विधि के लिए विधि माध के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ इंटू डी बटा समेशन एफ, यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया, तो हमको ए का मान कितना है दोस्तों, ए बराबर यहाँ पर सात है घेर दिया है हमने, ए बराबर सात लिख देंगे प्लस समेशन एफ डी डी एस का मात्रा कितना निकला, ये माइनस क्या निकला, माइनस आठ निकला, समेशन एफ कितना निकला तो सत्रह निकला। अब आठ में हमको सत्रह से भागा देना है तो कितना बार में कटेगा, तो वो देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आठ में और सत्रह से भागा देना है कि देख लीजिए नहीं कटेगा तो यहाँ पर जीरो मान लेते हैं, और यहाँ पर आप मान लीजिए दशमलव में जीरो, तो यहाँ पर हमको अस्सी उतर गया, सत्रह का चौंतीस, सत्रह तिया का आवन, सत्रह चुके अड़सठ, सत्रह पंचे पचासी, सत्रह चुके अड़सठ लगा दो साठ आठ अड़सठ, घट गया कितना, घट गया कितना, सत्रह पंचे पचासी ज्यादा हो गया सत्रह चुके अड़सठ,
तो दो घट गया तो दो, यहाँ पर घट गया एक तो 12 हो गया आपको, फिर उतर गया 0 तो 17 कान में 120 है, 17 का 34 17 का 68 17 पर 85 17 6 102 है ना, तो 102 लगा दो, 17 17 119 हाँ चलो 17 17 कितना 119, तो 119 लगा दो, 17 17 17 कान के 7 बाजे पर हो, 119 लगा दो भैया, 119 7 मरतबे 119, इसको घटाओ तो घटा करके 10 कितना 1, यहाँ बच गया 1, ये कट गया तो ये आ गया इतना आपको माइनस में, तो 7 लिख देंगे और प्लस करेंगे और माइनस क्या निकला कि -0.47 यहाँ पर 4 और 7 निकला, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और दशमलव अपना मन से दे देंगे और इधर 2 गो पॉइंट है तो इधर भी 2 गो लिख देना है और प्लस माइनस माइनस हो गया 0.47 घटा करके लिखेंगे तो 7 में से 10 1 10 10 में से कितना घटाना है हमको 7 घटाना है तो 7 3 10 यहाँ पर बच गया 9 9 में से 4 घटाना है तो कितना होगा तो 9 में से 4 घटाएंगे कितना तो 5 4 9 5 हो जाएगा इधर बच गया 6 तो ये आपको जो है इतना निकल गया दोस्तों तो ये लघु रीति विधि के लिए माप जो हमको यहाँ पर तो ये निकल गया आपको कि लघु रीति विधि माध बराबर क्या निकल गया कि यहाँ पर 6 5 3 आ गया दोस्तों तो ये आप लघु रीति विधि से माध आप सीख गए हैं कि कितना इजी है और आसान भी है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और स्पेशल क्लास मैथ रीजनिंग जीके जीएस और ऑल टॉपिक जो है आपको मिल जाएगा दोस्तों मैथ म्यूजिक चैनल पर, तो मैथ म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।